अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। अब एक चीज याद रखें, फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मेटल एटम का फोर है तो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। अब उसमें भी पहली बात आपको यह समझ लेना होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। फिर अब बचे कौन? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो याद रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन उनमें भी वो कॉम्प्लेक्स हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि चारों के चारों लिगैंड अगर सेम है और वो स्क्वायर प्लेनर है तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो हम वन बाय वन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको याद रखना है। अब हम अलग अलग टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप, देखिए, सो वेरी फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप एम ए टू बी टू। अब यहां पे आपको समझना होगा, M बोले तो सेंट्रल मेटल और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द मोनोडेंटेट लिगैंड्स। अब ऐसे किस्म के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अगर हो तो इसके दो आइसोमर्स होते हैं। अब उनको कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे ये सेंट्रल मेटल, ये कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। अब यहाँ पे दो टाइप के लिगैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ए एंड बी, दोनों मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं। तो पहला जो आइसोमर होगा कुछ इस किस्म का होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स एक साइड में आ गए, इसलिए आप इसको सिस आइसोमर कह सकते हैं। अब इसी का दूसरा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसे कुछ हम इस तरह से निकाल सकते या ड्रॉ करके दिखा सकते। अब अगर सेम लिगैंड सेम मोनोडेंटेट लिगैंड्स इस तरह से अपोजिट साइड में आए तो वो हुआ ट्रांस आइसोमर। सो दिस कैन बी द ट्रांस आइसोमर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एम ए टू बी टू टाइप, उनमें आप दो तरह के आइसोमर्स देख सकते हैं, एक होगा सिस दूसरा होगा ट्रांस। अब कंसीडर अनदर वेराइटी, सो लेट्स हैव कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप। अब हम अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स देखेंगे एम ए टू बी सी। अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, ए टू बी सी। अब यहां पे सिंपली एम बोले तो सेंट्रल मेटल एंड ए बी सी आर द मोनोडेंटेट लिगैंड्स। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में भी आपको दो तरह के आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सेंट्रल मेटल हुआ और चारों के चारों लिगैंड स्क्वायर प्लेनर मैनर में अरेंज हुए, इसलिए इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। अब देखिए दोनों सेम लिगैंड्स अगर एक साइड आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है ए टू, दोनों एक तरफ आ गए तो इसको आप कहेंगे सिस। और अगर सेम लिगैंड्स अपोजिट साइड में आते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ए यहाँ पे तो दूसरा ये यहाँ पे, तो इसे आप कहोगे ट्रांस आइसोमर। सो कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो इस टाइप का होगा एम ए टू बी सी टाइप, सो दैट विल हैव टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अमंग विच वन इज सिस वेयर एज अदर इज ट्रांस। अब हम तीसरे वेराइटीज के बारे में सोचेंगे। सो लेट्स हैव द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप एम ए बी सी डी।
अब देखिए यहां पे क्या होगा, एम ए बी सी डी, एम बोले तो सेंट्रल मेटल एंड स्मॉल ए बी सी डी आर सपोज टू बी द मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब यहां पे प्रोग्राम क्या है, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के आइसोमर समझने के लिए जहां पे चारों के चारों लिगेंड्स डिफर कर रहे हो, उसमें आपको एक काम करना है, किसी एक लिगेंड का कॉर्नर फिक्स कर दे, और एक लिगेंड का कॉर्नर फिक्स करने के बाद बचे कुचे जो तीन लिगेंड्स है उनको वन बाय वन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अटैच करके देखना है। तो कितने संभावनाएं यहां पे बनती है, तीन। इसका सीधा मतलब ये होगा कि ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, जैसे कि हम यहां पे कोशिश करेंगे उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ट्रेस करने की। नाउ कंसिडर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस वेराइटी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को फिक्स कर देंगे, नहीं इसकी पोजिशन हम बदलाएंगे नहीं, ए बी सी डी। सो ये एक वेराइटी होगी, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स की, यानी इसका ये आइसोमर होगा वन ऑफ द आइसोमर्स। नाउ लेट्स हैव अनदर पॉसिबल आइसोमर। अब की बार हम क्या करेंगे, हमने तो डिसाइड कर लिया कि ए की पोजीशन फिक्स करना है, अब ए को अपोजिट साइड में कौन था, सी था, अब हम सी को इधर और बी को इधर ले आते हैं, यानी अब अपोजिट साइड में कौन आ गया, बी, तो डेफिनेटली ये दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ। अब हमारे पास तीसरी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। देखिए ए की पोजीशन फिक्स है, यहां पे बी कर दिए, यहां अब डी आ गया, यहां सी है, तो ये एक आइसोमर होगा जिसमें ए के अपोजिट साइड में डी है। देखो ए को फिक्स करके सी बी डी तीनों को अपोजिट साइड में लगाने से हमें तीन अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल गए हैं। सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आई मीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप एम ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, उन कॉम्प्लेक्सेस के तीन आइसोमर्स हमेशा होंगे। अब देखते हैं चौथी वैरायटी, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप एम ए बी बाई टू। अब आपको समझना होगा ये ए बी क्या चीज है। देखो एम बोले तो सेंट्रल मेटल, ए बी इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जहां पे दो अलग अलग डोनर एटम्स होने चाहिए। देखिए इथिलीन डायमिन जैसा नहीं होना, इथिलीन डायमिन में दोनों डोनर नाइट्रोजन होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ग्लाइसिनेटो, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिनेटो इज आल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड जहां पे एक डोनर ऑक्सीजन होता है दूसरा नाइट्रोजन होता है, हम उस तरह के बाइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम ए बी बाई टू में कैपिटल ए कैपिटल बी इज सपोज टू बी द बाइडेंटेट लिगेंड हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स। अब इस किस्म के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है इनके भी दो आइसोमर्स होंगे, आपको समझना होगा। अब सबसे पहले एक संभावना यानी एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ए बी दो डोनर है तो दोनों डोनर एक की पोजीशन ये है एक दूसरे की ये है। अब दूसरा जो बाइडेंटिट लिगेंड है वो जब कनेक्ट हो तो उसके भी डोनर यानी इसके डोनर और इसके डोनर एक साइड में अगर आते हैं, जैसे इसका ए डोनर एटम और इसका ए एक साइड आ गया, इसका दूसरा डोनर एटम भी, इसका दूसरा डोनर एटम भी, वो भी एक साइड आ गए, तो ऐसे आइसोमर को आप कहेंगे सिस। और अगर ये जो डोनर एटम्स है ये अपोजिट साइड में अगर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, ए की पोजीशन ये है बी की ये है, और दूसरे बाइडेंटेट लिगेंड में अगर ऐसा होता है जैसे इसका ए और इसका ए अपोजिट आ गया, इसका भी अपोजिट आ गया, तो इस आइसोमर को आप कहेंगे ट्रांस आइसोमर। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो ज्यादा से ज्यादा यानी ये इतने वेराइटीज के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, और अगर वैसे कॉम्प्लेक्सेस आपके पल्ले पड़े तो आइसोमर्स कुछ इस तरह से
ड्रॉ करते आना चाहिए। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करे।